खेसारी लाल यादव जी, खेसारी लाल यादव उनके सामने कहीं से नहीं है, कहीं से नहीं है, कहीं से नहीं है उनके सामने, मतलब कोई नहीं है टक्कर, नहीं नहीं कोई नहीं टक्कर में पावर स्टार के, पावर स्टार पवन सिंह जिनको कहते हैं हम लोग, उनका काम देख के मतलब लग रहा है इतना अच्छा एक्टिंग है और अच्छा एक्टर है, इंडस्ट्री में कहा जाए उनसे अच्छा बेहतर कोई एक्टर है नहीं। फिल्म हमारा स्वाभिमान जो फिल्म है, एक बहुत अच्छा इसमें जो पवन सिंह ने रोल किया वो मतलब एक आप पूरे फैमिली के साथ इस मूवी को आप आराम से देख सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं गुडरू रातिपल सेवन और आप देख रहे हैं भोजपुरी फैंस क्लब और बीएफसी न्यूज। दोस्तों अभी मैं हाजीपुर के नेशनल सिनेमा घर में हूं, देख सकते हैं कि जितनी भी पब्लिक निकल रही है आखिर वो क्या कह रही है। फिल्म बहुत अच्छा है और फिल्म एक्चुअली मैं आज दूसरी बार देखने आया हूँ फिल्म को, और फिल्म देख के काफी मतलब अब लग रहा है कि फिर मैं एक बार और देखूंगा इस मूवी को। कैसा लगा चाचा? फिल्म ठीक है, ठीक है। कैसा फिल्म लगा चाचा? अच्छी फिल्म है। क्या अच्छा लगा पवन सिंह का? पारिवारिक फिल्म है और कहानी भी अच्छी है। क्या अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है भी? अच्छा लगा है फिल्म? फिल्म देखें अच्छा लगा है? क्या देखें फिल्म में? पवन सिंह अच्छा लगा है? अच्छा। चलिए कैसा लगा है बाबू, फिल्म देखे हो? कैसा लगा है चाची? कैसे पवन सिंह देखे हैं? क्या अच्छा लगा है? क्या अच्छा लगा बहन? अच्छा है। क्या भाई? अच्छा है। क्या अच्छा लगा? मूवी बहुत अच्छा था। क्या देखे हैं? अरे बताइए बहन, क्या बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। पवन सिंह का बहुत अच्छा मूवी था। अच्छा लगा है? बहुत अच्छा। क्या गाना होना अच्छा लगा है? गाना जैसे ये गाना अच्छा लगा है, ये एक हिंदी गाना था ना, वो बेस्ट लगा है। कैसा लगा अच्छा का फिल्म? अच्छा फिल्म लगा है। पावर स्टार पवन सिंह जिनको कहते हैं हम लोग, उनका काम देख के इंडस्ट्री में कहा जाए उनसे अच्छा बेहतर कोई एक्टर है नहीं। खेसारी लाल यादव जी, खेसारी लाल यादव उनके सामने कहीं से नहीं है, कहीं से नहीं है उनके सामने, मतलब कोई नहीं है टक्कर, नहीं नहीं कोई नहीं टक्कर में पावर स्टार के। फिल्म में क्या चीज सबसे बढ़िया लगी? फिल्म हमारा स्वाभिमान जो फिल्म है, एक बहुत अच्छा इसमें जो पवन सिंह ने रोल किया है वो मतलब एक आप पूरे फैमिली के साथ इस मूवी को आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें ना कोई अश्लील सीन है ना कुछ ऐसे गंदे सीन जिसके साथ हम अगर हमें लगे कि नहीं यार हमने ऐसा मूवी गलत देख लिया यार, फिर जिससे हम मतलब पूरे फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। समाज को इससे, इस फिल्म से क्या कुछ सीखने को मिलने वाला एक संदेश था इसमें, बताइए जरा। इसमें संदेश ये है कि हमें अपने स्वाभिमान को कभी गिरा के नीचे करके हम नहीं रहना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हमारा स्वाभिमान ही हमारा अस्तित्व है। अगर हम अपने स्वाभिमान से कंप्रोमाइज कर लिए तो हम अपने अस्तित्व से कंप्रोमाइज कर लिए। तो ये दो बार फिल्म देखने का कारण ये था कि फिल्म बहुत अच्छी थी, और फिल्म देखने का ये सबसे बड़ा शिक्षा मिला कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए किसी भी हालत में, स्वाभिमान से ऊपर रह के, है ना, स्वाभिमान से ऊपर महिला। जी जी जी, महिलाओं का स्वाभिमान मतलब सबसे पहले होना चाहिए। जी, उन्होंने एक महिला के सम्मान के लिए अपने प्यार को ठुकरा के जी जी उसकी इज्जत के लिए लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी है। जी बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा इसमें संदेश था महिलाओं के लिए, स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान भी ऊपर, बहुत अच्छा इनका लास्ट में डायलॉग भी था। जी जी, बहुत सारी महिलाएं भी आई थी, बड़े बुजुर्ग भी आए थे, उन्होंने बोला कि मैं दूसरी बार ये फिल्म देखने आया हूँ, तो बहुत अच्छी बात है कि ये फिल्म अभी तक यहाँ पे चल रही है। और दोस्तों आपके नजदीकी सिनेमा घरों में ये 11 तारीख से रिलीज किया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ राम शर्मा जी हैं, बड़े भाई का रोल निभा रहे, और ये मूवी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी मूवी है। जैसा कि आप 11 तारीख से पूरे यूपी बिहार झारखंड के हर नज़दीकी सिनेमा घर में देख पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी कितने एकदम एक्शन में नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये हाजीपुर में अभी लगा हुआ है, पटना के किसी भी हॉल में नहीं लगा हुआ है। जैसे 11 तारीख से वहाँ भी रिलीज कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे आप हम स्क्रीन पर अपना चार्ट भी दिखा दूंगा, बहुत सारे सिनेमा घर में इस मूवी को रिलीज किया गया है, बहुत सारे सिनेमा घर में इस मूवी को 11 तारीख से रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी पावर स्टार पवन सिंह जी के जबरा फैन हैं और इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए, तो दोस्तों आप यहां हाजीपुर में आकर के देख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने नजदीकी सिनेमा घर में इसको 11 तारीख से देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।